हेलो गाइस, आई एम टीके सिन्हा। मैथ्स के जादू वाले एपिसोड में एक नया ट्रिक लेकर के फिर से आया हूं। आज फिर आप कहोगे मैं भी जादूगर, ठीक है? यानी अब आप सभी मेरे साथ साथ मैथ्स के उस ट्रिक के जादूगर बनते जा रहे हो, चाहे वो ट्रिक एक आता हो या दो आता हो। आखिर ट्रिक तो ट्रिक होता है, जादू तो जादू होता है। तो आप सब आज के बाद मैथ्स के जादूगर। जी हाँ, और पिछले जो भी मैंने दिया था ट्रिक्स दिया है 1 से 6 तक में, उनको निकाल करके जिसका लिंक दिया होगा या प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च मारोगे, अप्रोक्स 10 मिनट का वीडियोज रहता है, आप उसको निकालो, देखो, और जब पसंद आए तो उसको लाइक करो, उसको शेयर करो और कमेंट भी लिखते जाओ कि वह वीडियो आपको कैसा लगा। जी हाँ, तो हम लोग 2 डिजिट के स्क्वायर में पढ़ चुके थे, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो ये निकालना सीखे थे कि अगर ये 52 का स्क्वायर है तो कैसे निकालेंगे। सब एक बार ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग हल्का रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हमको 3 डिजिट पे जाना है। तो 52 का स्क्वायर सब लोग बहुत अच्छे से देखना। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 एकम, ठीक है, 4। अब अगला स्टेप मैंने क्या बताया, पहला स्टेप ये 2 का स्क्वायर, अगला स्टेप क्या बताया था, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 × 2 × 2 कर दो, तो 5 × 10 × 20, एक एक डिजिट, एक एक प्लेस ही रखेंगे। कितना प्लेस रखेंगे? एक एक प्लेस। अब जैसे ही ये 20 हुआ तो कैरी ओवर कितना? 2, तो 5 का स्क्वायर 25 में 2 ऐड कर दिए थे और हम लोगों का ये स्क्वायर हो गया था। फिर से देखते हैं 53 का स्क्वायर। फास्ट मेरे साथ बोल करके प्रैक्टिस आप भी करोगे, और जिनको जिन्होंने पूरा वीडियोस नहीं देखा, जिनको ये लगे कि हमको लेट हो रहा तो या नहीं समझ में आ रहा, पिछले वीडियोस को जरूर देखो। मैथ्स का जादू एक अलग प्लेलिस्ट है बना हुआ, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ये 0 नहीं देंगे, केवल एक प्लेस, एक प्लेस। अब तीनों को गुना करो, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 30 का 0, कैरी ओवर कितना? 3, यहां नहीं लिखेंगे 3। अब फिर 5 का स्क्वायर, यानी पहले इसका स्क्वायर, फिर दूसरे स्टेप में, यानी पहला 3 का स्क्वायर 9, दूसरे स्टेप में तीनों को मल्टीप्लाई किया, 5 × 3 = 15 × 2 = 30, और कैरी कितना था? 3, और 5 का स्क्वायर 25 और 3 = 28। जी हाँ, वैसे ही 72 का स्क्वायर जल्दी बनाए, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 7 × 2 = 14, तीनों को मल्टीप्लाई करना, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, कैरिंग कितना? 2, 7 का स्क्वायर 49 और 2 = 51, ठीक है। 91 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 9 × 1 = 9, 2 = 18, कैरिंग 1, 9 का स्क्वायर 81 और 1 = 82। तो ये हम लोगों ने 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर निकालना पिछले वीडियो में देख लिया है। हम तो आज कोई भी 3 डिजिट का नंबर होगा उसका टाइप 1 कैसे स्क्वायर देखने के साथ सेकंड में बताएंगे। जी हाँ, सेकंड में बताएंगे जी। तो सपोज 203 का स्क्वायर, सब लोग ध्यान देना। अब बताओ, अब देखो यहां हम लोग एक एक प्लेस ले रहे थे और जो बच गया लास्ट में, यहां 2-2 प्लेस लेंगे। 3 का स्क्वायर ध्यान दो, 3 का स्क्वायर 9, मैंने बोला 2-2 प्लेस, 2 प्लेस बनाने के लिए 0 9। अगला स्टेप, इसको ये देश 2 × 3, 2 × 3 = 6 × 12, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 = 6, 2 = 12, और 2 डिजिट रखेंगे, और 2 का स्क्वायर 4। सब लोग चेक करो जल्दी अपने अपने ये पे कि क्या ये सही है, फास्ट चेक, अपना कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर में चेक करो कि क्या 203 का स्क्वायर इतना है, और जैसे ही नजर आए यस तो वहां पे एकदम थंब लगाओ, क्लिक करो यस मेरा सही है, ठीक है। और कहो और सोचते रहो कि अब तो मैं भी जादूगर। मान लो फिर से देखो, अगर 304 है, सब लोग ध्यान देना, 304 है, अच्छे से देखो, ये लास्ट में क्या, 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट, मैंने बोला था कैरी ओवर 2 के बाद वाला होगा, अगर 3 डिजिट हो रहा है तब, नहीं तो ये 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। अगला स्टेप, एक ये ध्यान देना, इधर से 2 डिजिट ये और ये मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 4 = 8, 8 × 3 =
24। जी हाँ, कोई कैरी नहीं है, दो से ज्यादा होगा तो कैरी ओवर होगा, और 3 का स्क्वायर 9। जल्दी चेक कीजिए अपने अपने कैलकुलेटर पे, फास्ट चेक करो, ठीक है। और बड़ा नंबर लेते हैं, 707, 707 का स्क्वायर। जी हाँ, 707 का स्क्वायर। जस्ट डू फास्ट, सब लोग ध्यान से देखो, क्या इतना आसान है स्क्वायर 3 डिजिट का। देखें 7 का स्क्वायर 49, 2 डिजिट का ये रहना चाहिए, हो गया। अगला स्टेप 27 जा, ये ध्यान देना, ये 2 डिजिट होगा। 27 जा 14, 14 7 जा 98, ये भी 2 ही डिजिट हुआ। और 7 का स्क्वायर 49, जी हाँ जल्दी मिलाओ, एकदम फास्ट, सही है कि नहीं है। और जैसे ही लगे कि आपका भी सही है, आप भी बोलो यस, आप भी मेरे साथ वीडियो खोल करके नंबर्स को लिखो और उसको प्रैक्टिस करो। फिर से देखते हैं, 5 थोड़ा और बड़ा, 512 का स्क्वायर, 512 का स्क्वायर, 512 का स्क्वायर, जी 512, सब ध्यान से देखना। 12, ये तो मैंने बताया था 2 एक साथ होता है, 12 का स्क्वायर 144, लेकिन 3 डिजिट हो जाता, इसलिए 1 जो है कैरी ओवर होगा, समझ में आया। फिर से देखो, 12 का स्क्वायर 144, 144, लिखेंगे केवल 2 डिजिट। अब 12 बचे, ये देखो इन तीनों को गुना करना, कौन कौन, एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये, कैसे करेंगे, 5 दुना 10, 12 पच्चीस 60 और 1 61। फिर से देखो, 5 दुना 10, 5 दुना 10, और 10 से 12 को गुना, 120, 12 ना 120 और 121, फिर कैरिंग 5 का स्क्वायर 25 और 126। जी हाँ जल्दी से मिलाइए, सही है कि नहीं, इतना बड़ा नंबर का स्क्वायर अब तो आप देख करके बता रहे हो, वेरी गुड। अब फिर हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस को देखें, जैसे देखें 607 का स्क्वायर। देखो हाँ भाई, बड़ा नंबर, बड़ा नंबर हम लोग देखते हैं, 607 का स्क्वायर, फास्ट, क्या होगा। जी हाँ, 7 का स्क्वायर 49, आपने सही सोचा था, 7 का स्क्वायर 49, और कोई कैरी ओवर नहीं है, 2 डिजिट का होगा। देखो आज के बाद कितना आसान, फिर तीनों को गुना करो, किस तीनों को, एक तो ये होगा, तो 7 दुना 14, 14 6 84, 27 जा 14 6 जा 84, और 6 का स्क्वायर 36, मिलाइए फास्ट, मिलाइए 3 6 8 4 4 9, वेरी गुड। कैलकुलेटर खोल करके बैठो मेरे सामने और कॉपी पेन रखे रहो और तब बनाओ, क्लियर। अब देखते हैं 804 का स्क्वायर, फास्ट, 804 का स्क्वायर, अपने कॉपी पेन निकालो, जल्दी आप भी बोलो कि हमको भी याद है, 4 का स्क्वायर 16, 4 दुना 8 64, 8 का स्क्वायर 64, जी हाँ 646416। देखिए जल्दी जल्दी देखते जाओ कैसे हम लोग बना रहे हैं, 705 का स्क्वायर, जल्दी बोलो, 5 का स्क्वायर 25, 5 दुना 10 70, 7 का स्क्वायर 49, जी हाँ। देखिए क्या हम सेकेंड में देखने के साथ हम जवाब नहीं दे पा रहे, इस चीज को देखिए कि हाँ हम तो देखने के साथ इसका आंसर दे पा रहे हैं। जी हाँ, अगला देखें, अगला नंबर 613 का स्क्वायर, मैंने क्या बोला, फिर आराम से सुनो, पहले आराम से, लास्ट का 2 डिजिट 1 साथ। अब 13 का स्क्वायर आपको याद है 169 होता है, लेकिन 3 डिजिट हो जाता तो 1 अलग हो गया। अब बताओ इन तीनों को गुना करेंगे, 6 गुना 2 12, यानी 6 को 2 से × 30, ये गुना करना है, 12 गुना 13 156 और 157, फिर कैरिंग 1, 6 का स्क्वायर 36 और 1 37, जी हाँ 375769। देखो नहीं है तो कैलकुलेटर खराब है, नहीं है तो आपका गुना खराब हो रहा है। फिर से देखते हैं 515 का स्क्वायर, जी हाँ 515, अब तो आप निकाल रहे होगे, 15 का स्क्वायर 225, 225 कैरिंग 2, अब ऐसे गुना कर लिया करो, 5 × 2 × 15
क्या करेंगे, 5 × 10 × 15 = 150 और 2 = 152 कैरी 1, 25 × 1 = 26, 2 × 6 = 5225। जी हाँ, कितना मजेदार है ना कि हम लोग अब 3 डिजिट का, लेकिन आज आपको ये प्रैक्टिस करना है 7 1 7 0 8 का स्क्वायर फास्ट। जी हाँ, जल्दी आंसर बताओ, 8 का स्क्वायर 64, 2 ही अंक हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 × 2 = 14, 8 × 1 = 112 कैरिंग 1, 49 × 1 = 50, 708 का स्क्वायर 708 का स्क्वायर 50 1264। जी हाँ, अब मैं आपको 5 क्वेश्चन देने जा रहा हूं, फिर से मिला लो, 8 का स्क्वायर 64, 7 × 14 = 112 कैरिंग 1 49 × 1 = 50। जी हाँ, तो सही है, अब हम लोग इसके 5 क्वेश्चन दे रहे हैं और 5ों को तुरंत बनाना है, चले जल्दी करें। और आज के बाद 3 डिजिट के स्क्वायर से आप घबराना बंद कर देंगे। 3 0 6 का स्क्वायर 4 0 8 का स्क्वायर 5 1 4 का स्क्वायर 6 0 3 का स्क्वायर 7 0 9 का स्क्वायर। फास्ट, जल्दी करें, आप जब तक ये बनाए तब तक मैं इस पे आपके प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन दे दे रहा हूं। तो वो क्वेश्चन है 6 0 6 8 1 2 9 2 9 1 3 5 2 4 6 2 1 7 1 7। जी हाँ, प्रैक्टिस के लिए ये, लेकिन अभी हम लोग इसको बनाएंगे और देखते हैं कितना जल्दी, क्योंकि मैंने आपको टाइम दे रखा था, अभी तक तो ये बन गया होगा। चले देखें, 6 का स्क्वायर 36, मैं बार बार क्या बतला रहा हूं, 2 डिजिट का ये स्पेस रहेगा। अब 3ों को गुना करो, ये एक साथ, 6 × 12 = 36 और 3 का स्क्वायर 9। जी हाँ, 9 3 6 36। सभी का, जितने लोग का एकदम सही है, 8 का स्क्वायर 64, 2 डिजिट हो गया, 8 × 16 = 64, ये भी 2 डिजिट हो गया, 4 का स्क्वायर 16, जी हाँ 16 64 64, 1 6 6 4 6 4, बताओ देखने के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 14 का स्क्वायर क्या लेंगे, 196, लेकिन ये 3 डिजिट हो गया। अब 5 × 10 = 14 = 140, क्या करेंगे, यहां ध्यान देना, 5 × 10, और मैं बार बार बतला रहा हूं, × 14, तो 14 × 10 = 140 और 1 = 141 कैरिंग 1 25 और 1 = 26, 2 6 4 1 9 6। जी अब ये देखे, 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट के लिए 0 9। अब 3 × 6 = 36, 3 6, और 6 का स्क्वायर भी 36, 3 6 3 6 0 9। कितना आसान है, 9 का स्क्वायर 81, 7 × 14 = 9 = 126 कैरिंग 1 49 और 1 = 50। जी हाँ, 5 0 2 6 8 1, मिलाओ कैलकुलेटर से, सही है, और जिनका नहीं सही हो कैलकुलेटर उठाकर फेंक दो, कैलकुलेटर खराब है। जी हाँ, तो आज के बाद हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 डिजिट के स्क्वायर पर प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा फिर मेथड हम देखेंगे, और भी कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन पहले इस मेथड में मास्टर बनना होगा। अगले क्लास में मैं फिर आऊंगा और वहां पे इन क्वेश्चंस का आंसर बना के कमेंट में जरूर डालेंगे। लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बहुत बहुत मजा आने वाला है इस जादू में। ठीक है, थैंक यू।